स्टूडेंट्स, नाउ वी रीड नेक्स्ट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। ठीक है, अभी हमने लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, इक्वेटर के बारे में पढ़ा, और जो इक्वेटर के पैरेलल जो लैटिट्यूड्स हैं उनके बारे में पढ़ा। अब इनमें से जो हमारे इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है, जो हमारे इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, अभी कहाँ सिचुएटेड है ये? आपका नदर्न हेमिस्फेयर में 23.5 डिग्री नॉर्थ में। ठीक है, नॉर्थ में हमने पढ़ा था ना कि एन क्यों लिखा जाता है बच्चों यहाँ पर, क्योंकि ये नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, तो नॉर्थ में सिचुएटेड है। अभी हम मैप पर देखेंगे इनके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये आपका कहाँ है? 23.5 डिग्री साउथ में। ठीक है, देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है आपका नॉर्थ में और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है आपका साउथ में, पर डिग्री सेम है। ठीक है, डिस्टेंस इक्वेटर से इनका सेम है। ये इक्वेटर से नॉर्थ में 23.5 डिग्री पर है और ये इक्वेटर से 23.5 डिग्री साउथ में है। ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, आर्कटिक सर्कल। ठीक है, ये कहाँ सिचुएटेड है? ये है 66.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ये कहाँ है आपका? 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर से 66.5 डिग्री के डिस्टेंस पर ये आपका सिचुएटेड है। कौन क्या? आर्कटिक सर्कल। नेक्स्ट है आपका जो इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड है वो है अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, ये कहाँ सिचुएटेड है? ये है आपका 66.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। ठीक है, ये इक्वेटर के 66.5 डिग्री जो साउथ में जो डिस्टेंस है इक्वेटर से, वहाँ पर ये सिचुएटेड है। चलिए अब हम एक फिगर के हेल्प से इसको जल्दी से समझ लेते हैं। बच्चों लुक एट दिस फिगर। देखिए यहाँ पर हमारे सारे जितने भी इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है, उनको शो किया हुआ है। देखो ये हमारा इक्वेटर है जिसके बारे में हमने पढ़ा था, जो कहाँ पर जिस जो इसमें विजिस होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे, इसको यहाँ पर इक्वेटर को माना है 0 डिग्री। ठीक है, अब हमने फर्स्ट पढ़ा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो हमारा कहाँ था? 23.5 डिग्री नॉर्थ। देखो ये नॉर्थ आपका यहाँ से नॉर्थ ये डायरेक्शन है और ये आपका साउथ डायरेक्शन है। ये आपका नदर्न हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर मतलब क्या होता है? आधा पार्ट। ठीक है, मतलब अर्थ का आधा हिस्सा या आधा भाग या किसी भी गोले का आधा हिस्सा। ठीक है, तो उसको हम हेमिस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, स्फीयर का हाफ पार्ट। तो ये आपका नदर्न हेमिस्फीयर है, ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर है, साउथ वाला है। ठीक है, तो जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो आपका कहाँ सिचुएटेड है? नदर्न हेमिस्फीयर में। क्लियर बच्चों? और कितने डिग्री पर? 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो कैप्रिकॉर्न कहाँ पर सिचुएटेड है आपका? ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री पर। देखो डिस्टेंस इक्वेटर से दोनों का सेम है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का भी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का भी, दोनों का डिस्टेंस सेम है इक्वेटर से। बट हमें यहाँ पर इनको शो करने के लिए, इनकी एग्जैक्ट लोकेशन शो करने के लिए यहाँ पर नॉर्थ लिखा है और यहाँ पर साउथ लिखा है, क्योंकि ये साउथ पार्ट में है और ये नॉर्थ पार्ट में है। नेक्स्ट है हमारा जो इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है वो है हमारा आर्कटिक सर्कल। ठीक है, तो ये कहाँ है? ये इक्वेटर से 66.5 डिग्री के डिस्टेंस पर नॉर्थ में सिचुएटेड है। ठीक है, और ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था अंटार्कटिक सर्कल। ये हमारा फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड है अंटार्कटिक सर्कल। ये कहाँ सिचुएटेड है? ये आपका इक्वेटर से 66.5 डिग्री साउथ पर। ठीक है, तो ये यहाँ पर सिचुएटेड है। होप सो बच्चों आपको ये सारे लैटिट्यूड्स क्लियर हो गए होंगे। ये सब लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है, ये सब लेटी हुई लाइन है ना, तो ये सब लैटिट्यूड्स हैं हमारे अर्थ के। ठीक है, जिसके थ्रू हम एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाते हैं। ये यहाँ से आगे डिवाइड होता है, यहाँ से 0, मतलब ये पूरा यहाँ से डिस्टेंस होता है यहाँ तक का 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री ये
फिर यहाँ से 90 डिग्री ये, तो पूरा ये हो गया आपका 180 डिग्री, और ऐसे ही यहाँ से ये काउंट करेंगे 90 डिग्री, फिर यहाँ से ये काउंट करेंगे 90 डिग्री, तो नीचे का पार्ट भी हो गया आपका 180 डिग्री। तो 180 प्लस 180 इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो पूरा जो सर्कल है वो आपका 360 डिग्री का हो गया। ओके, क्लियर बच्चों?